नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक पॉपकॉर्न की रेसिपी। ये इंस्टेंट पॉपकॉर्न है जो आपको मार्केट में इसका पैकेट इजीली मिल जाएगा। ये है एक्ट टू क्लासिक सॉल्टेड। इसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर्स आते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है क्लासिक सॉल्टेड और ये स्पेशली जो है कुकर में ही बनाने के लिए आते हैं। ये वाले जो पैकेट है माइक्रोवेव के लिए अलग आता है शायद से। तो इसका जो प्राइस है 26 रुपीज़ है और 71 या 70 ग्राम का ये पैकेट है। आपको इसमें जो है 10 रुपीज़ का पैकेट भी मिल जाएगा और वो 40 ग्राम आता है, उसमें 40 ग्राम आता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुकर लूँगी। कुकर का जो ढक्कन है, ढक्कन से हम जो है विसिल यानी सीटी और इसका जो रबर यानी गास्केट है इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसे हमें कुकर में बनाना है। आजकल आप सभी को पता है बरसातें चली हुई है, बारिश का मौसम है, खाने का बहुत मन करता है। पॉपकॉर्न खाइए, पकौड़े खाने का मन करता है, तो आप बहुत ईजिली इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे कुकर में बनाना आपको बताऊँगी। कुकर से मैंने सीटी और गास्केट रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम कुकर को जो है प्री हीट कर लेंगे, गरम कर लेंगे अच्छे से हाई फ्लेम पे, और उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे जो है पैकेट को खोल लूँगी। और इसे कुकर में डाल लूँगी सारा। इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ पहले से ही ऐड होता है। नमक हो गया, हल्दी, मतलब सारी चीज़ें। तो सिर्फ आपको जो पैकेट में मटेरियल आता है उसे ही कुकर में ऐड करना है, और जो फ्लेम है हमें मीडियम कर देनी है, और इसे कंटिन्यूसली जो है चलाते रहना है जब तक जो है ये पॉपकॉर्न फूटेंगे नहीं। जब ये पॉपकॉर्न जो है फूटने लगेंगे तो हम जो है फ्लेम हाई कर देंगे और कुकर का जो ढक्कन है वो लगा लेंगे और बीच बीच में जो है इसे हिलाते रहेंगे ताकि जो पॉपकॉर्न है वो जले नहीं। ये देखिए, मैंने कुकर का ढक्कन लगा लिया है और फ्लेम भी हाई कर दिया है, और बीच बीच में मैं इसे जो है शेक करती रहूँगी। इसमें लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं। जब पॉपकॉर्न के चटकने की आवाज़ बंद हो जाए तो समझ लीजिएगा आपके जो पॉपकॉर्न है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, हमारे पॉपकॉर्न जो है बन के तैयार है। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है और ढक्कन भी हटा दिया है, और इसके बाद मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी एक बॉल में। तो ये देखिए, हमारे पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छे बने हैं। जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, वो इसे ट्राई ना करें क्योंकि इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए, पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छे बने हैं और एक भी पॉपकॉर्न जला नहीं है या फिर कुकर में जो है चिपका नहीं है, आप देख सकते हो। आप इसके दूसरे फ्लेवर्स भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसमें नमक ज़्यादा होता है, इसलिए जिनको नमक ज़्यादा खाना पसंद नहीं वो इसे ना ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।